हाय एवरीवन, आज मैं जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उन सभी के लिए एक बहुत बढ़िया सा बात शेयर करना चाहता हूँ, जिसको करके आप इस बिजनेस से जो ग्रोथ चाहे वो मिलेगा। तो स्पेशली 3 पॉइंट है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा, तो जिससे करके आप आराम से आगे निकल सकते हो, आगे जा सकते हो। तो पहला है पेशेंस। प्रॉब्लम हर जगह आता है, क्योंकि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए, दुनिया का जो भी सुख सुविधा है दैट यू वांट, तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आएगा। तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने का रेडी रहना चाहिए, कैसे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो लाइफ में उसको पार करके जाना पड़ेगा, किनारा करके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है पेशेंस। दूसरा है, आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, रुक रुक के काम नहीं चलेगा। कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन स्पेशली जो डायरेक्ट सेलर है उसको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आपको मैंने जैसे पहले बोला, रोक रोक के काम करने से आपको सफलता या सक्सेस जो बोलते वो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ है एक्शन। देखो, एक्शन का बिना आप कुछ भी काम को रिजल्ट नहीं ला सकता। मान के चलिए आपके माइंड में प्लान है, लेकिन अगर वो प्लान आप कागज़ पे नहीं उतारोगे तो उस प्लान का कोई काम नहीं। उसी तरह अगर आपने कागज़ में प्लान तो उतार दिया, लिख लिया, लेकिन आप वो प्लान को आप एक्शन में नहीं ले रहे हो या नहीं ला रहे हो, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके दिमाग में प्लान है, प्लानिंग है आगे का फ्यूचर को लेके, एक्टिविटीज़ को लेके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को कागज़ पे लिखना पड़ेगा। और जो कागज़ पे लिखा हुआ प्लान है उसको आपको ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा एक्शन के साथ में। और एक्शन के बिना आप ये जितना भी आपका प्लानिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखना, ये तीन चीज़ें याद रखना, अगर आपको इस बिजनेस से सक्सेस चाहिए तो पहले तो पेशेंस रखना पड़ेगा, दूसरे आपके हैं कंसिस्टेंसी, लगातार चलना पड़ेगा, और तीसरा है आपको एक्शन करना पड़ेगा। सो थैंक्स एवरीवन।